नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल, सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन की सुविधा न होने पर रोष। गुरुद्वारा साहिब में मनाया बैसाखी का पर्व, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्रदेश भर में याद किए संविधान निर्माता जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र राव की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पपरोला स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल के प्रांगण में प्रशासन व स्थानीय विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आयुर्वेदिक अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुल्कराज प्रेमी मुर्दाबाद, 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 मुल्कराज प्रेमी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, मुल्कराज प्रेमी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। राव ने कहा कि आज मौजूदा समय में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ठप पड़ी हैं, जहां प्रदेश सरकार आए दिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला, सिविल अस्पताल बैजनाथ, सिविल अस्पताल चढ़ियार की हालत गंभीर बनी हुई है। क्षेत्र की आम जनता को अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए प्राइवेट जगहों पर जाकर 5 से 7 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। राव ने कहा अगर प्रदेश सरकार द्वारा बैजनाथ सिविल अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो क्षेत्र की जनता के साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। बैजनाथ ब्लॉक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आज का ये जो धरना प्रदर्शन था, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो हमने बात यहाँ पे उठाई है, चाहे मैं बात करूं आयुर्वेदिक अस्पताल की या सिविल अस्पताल बैजनाथ की, इसके साथ धारचड़ियार में भी एक अस्पताल है, मात्र यहां पर ये जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो हमारे बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता यहां पर उपचार लेने के लिए आती है, इन अस्पतालों को जो है रेफर अस्पताल बना दिया गया है। आज मैं मीडिया के बंधुओं के सामने इस बात को उजागर करते हुए बताना चाहता हूँ कि इस अस्पताल में आयुर्वेदिक में ना तो अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीन है, इसके साथ जो अन्य और टेस्ट हैं उन सब सुविधाओं की जो यहाँ पर दयनीय हालत है, यहाँ के दूर दराज से गरीब लोग जो हैं अपना उपचार लेने के लिए आते हैं, चाहे मैं बात करूँ बैजनाथ अस्पताल की, मात्र यहाँ से रेफर अस्पताल जो है वो बना दिए गए हैं। बड़े दुख की बात है, जहाँ पर प्रदेश सरकार आए दिन बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम आम जनमानस तक जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने का कार्य कर रहे हैं, वही दूसरी ओर बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा यह हमारा चुनाव क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं, नगर पंचायत के एरिया भी इस क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है प्राइवेट केंद्रों में जाकर के जो है 5 से 7 हजार रुपये दे करके जो है अपने अल्ट्रासाउंड के टेस्ट, सिटी स्कैन की रिपोर्टें जो है वो करवानी पड़ रही है। पांवटा में बैसाखी के शुभ अवसर पर गुरुद्वारा पांवटा साहिब में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालुओं ने यहां आकर दरबार साहिब पर अपना शीश नवाया। बैसाखी के दौरान पांवटा साहिब गुरुद्वारे को फूलों और लाइटों से सजाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारा साहिब में रागी जत्थों द्वारा कीर्तन किया गया व इस दौरान कभी दरबार में दूर दूर से आए कवियों ने अपनी कविताओं का भी पाठ किया। श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन 24 घंटे किया गया। इस दौरान बाजार में भी रौनक लगी रही। दूसरे राज्यों से आए यात्रियों ने जमकर खरीदारी की। पांवटा शहर के भगानी साहिब, तीरगाड़ी, निहालगढ़, कृपाल शिला सभी गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हुई। गुरुद्वारा पांवटा साहिब अज विसाखी का शुभ दिहाड़ा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगत बहुत हुमहुमा के उत्तराखंड, सहारनपुर, हरियाणा, यमुनानगर आदि तो आके गुरुद्वारा साहब के नतमस्तक हो रही हैं। विसाखी का दिहाड़ा 1699 ईस्वी साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की साजना की, उस पर पंच प्यार साजा गया से अमृत छका के संतान उस वेले गुरु घर जुड़न की प्रेरणा दी गई थी। इसे मुख रखते हुए अब खालसे का जन्मदिन जोड़ा है वो बड़ी श्रद्धा नाल गुरुद्वारा साहब मनाया जा रहा है।
आज अमृत संचार हो रहा है शीश महल विखे और अंदर दीवान सजे हुए हैं जिस विषय सबका बड़ी धूम धमाल का अपना जगह है उन पर सबका पेट कर रही हैं और लंगर आदि का प्रबंध किया गया है। संता का भी पेट लगी हुई वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरू। जोगिंदरनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ढेलू स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। वहीं गांधी भवन में मंडी कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन संविधान निर्माता के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर जी का संविधान के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान रहा। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कानूनविद रहे और अपने उद्यमता के आधार पर अपने परिश्रम के आधार पर अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने जो है संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में छवि को उकेरित किया। भीमराव अंबेडकर जी ने जो कुप्रथाएं उस समय भारतवर्ष में चली आ रही थी, जाति प्रथा थी, छुआछूत था, वो सब सामाजिक निर्माण को लेकर उन्होंने कार्य करते हुए सभी वर्गों हेतु जो है वो योगदान दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए भी उनका बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। आज गांधी भवन के इस प्रांगण में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे जिला के महासचिव प्रदीप शर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष लाभ सिंह जी हैं और साथ में जितेंद्र जी भी हैं। तो आज सब हम जो हैं उनके किए गए कार्यों को, उनके द्वारा जो समाज को, भारतवर्ष को, संविधान को, कानून को एक योगदान दिया गया उनके लिए उन्हें याद कर रहे हैं। वहीं सुंदरनगर में ग्राम पंचायत जडोल के ठारू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गयी। दूसरी तरफ श्री गुरु रविदास सभा जवाली द्वारा रविदास मंदिर जवाली में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एमडी मेडिसिन डॉक्टर आशीष की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।